मेरा भैरव पंडित क्या है, किस लिए ताना मार रहा था भाई? भैया बोलिए भाई, केले है खिलाने नाम कुमारी, केला नैना में कुमारी है, दुल्हन के लिए ताना मार रहा था क्यों नहीं? तूने क्या किया जवाब होगा पंडित को? पंडित से मैंने फल जबरदस्त तिलक को छीन लिया और पंडित से तिलक को छीन लिया क्यों नहीं? और तिलक किसके वास्ते छीन लिया? तुम शादी करोगे तो ठीक है, मेरा भैया कुमारा है किला महत्ता में, तो शादी मेरे भैया करेगा। देखो भाई उधर किला नैना में शादी मैं नहीं करूंगा, किला नैना को लड़बैया सुबह इनमें है भारी, उसका पड़े नहीं पाता है कोई देश का छत्री, जब सर नागत को नहीं दिया मां दौला का और ए अल्लाह का, तुम छोटा था हम जियो भैया से तुम नैना को नाम सुनता अल्लाह तेरे भैया जाएगा तो बारह दुल्हा को सर झुर रहा है किला नैना में मरबा के ऊपर में, 300 प्राची ढोकाया है किला नैना का अंदर। भैया बोलो भाई, शादी से डरता है? नैना किला से डरता हूं मैं, ¡Gracias!
भैया अल्लाह
हाँ बेटा तो मैं नैना जाने के लिए तैयार हूँ। क्यों नहीं बेटा, तुम्हें मालूम है जब छोटा होकर मेरा ऊपर हाथ को उठाया बांध दिया और हाथ पकड़ लिया है कि भैया को शादी करवाएंगे नैना किला में, तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। क्या हुआ बाबू रुदन, मान गया बेटा बात? जाएगा? अवश्य जाएगा बेटा। तो ठीक है, तैयारी कर दो, मैं लेकर के जाऊंगा किला नैना को। क्यों नहीं बेटा, जल्द करो, मैं दुल्हा बना देती हूँ बेटा। जल्द बना है साकी जे रही है जाएगा ना भैया? अवश्य जाएगा बेटा, क्यों नहीं जाएगा? तो तिलक चंदन लगाया? हाँ। माला को पहना? हाँ बेटा। एक हम
विश्वाइमान मुझे सारा काल भार सौंप करके गए हैं मारे भैया छोटा मिलन होगा हाँ तो त्रिगोली वाले भैया आगे सुन हो सुनकर तिलक को सुखा रहे हैं
या नहीं पंडित महाशय तक लौट कर नहीं आ भैया। जब तक तुम्हारा भैया जीवित है इंद्र बाबा का पुजारी आओ, इंद्र बाबा तो हर दिन पूजा करता है तो कोई परवाह तुम्हारा नहीं है। आए भैया सुन रहा you
लगा पचरा छतरी मित्रंग कभी न मित्रंग जब मित्रंग तब दगे लगा किसी किला में गया तो साला सब छतरी एक ही जात का है हर वक्त कोई वचन बोलता है तो जैसे कमछुआ जैसा लगता है मैं तो कहावनों किला में गया हूं सजनों अपने आप को इतना बड़ाई करता है जितना बड़ाई करता है उतना साला लड़ लड़ कर मर जाता है करके मैं लौटा हूं महाराजा एकाबर किला में मैं सारा किला गया नाना को तो परन सुनते ही क्यों नहीं छतरी को तो धरिया में पिशाब होता था कोई छतरी ना तिलक को स्वीकार करता था क्या कोई स्वीकार लास्ट में मैंने एक रात महबाब को छोड़ दिया क्योंकि बूढ़े महाराज ने कितने दिन अपने बेड पे बोल रहा था पंडित राज महबाब नाता जोड़ने योग किला नहीं क्यों नहीं इसीलिए वो सुन करके मैंने राज महबाब नहीं गया अवश्य लेकिन वो महबाब को नजदीक में जो
एक सागर बनबरी है, वो बनबरी होकर के मैंने आ रहा था। अरे कहां तो एकाग्र किला में मैंने घोड़ा था तो रिस तो लगा था, क्यों नहीं वो बातें बीती हुई बात मैं बोलते ही आ रहा था, तो हमको मुख से तो गाली भी निकला। अरे छतरी और आ गए कोई ऐसा माइक को लार पैदा न लिया जो राज नैना को तिलक को स्वीकार कर राजा। तो उदल और देवा नाम का दो छतरी है, वो बड़बड़ी में खेल रहा था शिकार सारा। ओ मूर्ख, उदल ने आकर को हमको कब्जा को थामा, पंडित इसको तो गाली देता है। तुम्हारे कहा राजन गाली तो मैं बच्चे देता हूं जो कावना किला का छतरी बहुत बलशाली और बहुत बड़ा करता है, जो ऐसे किला है वैसे किला है। सारा किला में घुरा कोई छतरी नाना को प्रण सुन करके धरिया में पिशाब होता, तो वचन पे मैंने गाली देता हूं। अरे कौन चीज तू ढूंढ रहा है, क्या संदेश और किसका खोज में है तू? हम कहे सारा कहानी जो राज नाना का रवैया हूं, जात का मैंने पंडित महाराजा सामने कलर की जो सती सोना है उसको तिलक लेकर के कामरों किला में मैंने ढोरा देता हूं और पान को बीरा लेकर के ढूंढता हूं। जो छतरी में पूजा में ताकत होगा सीना में बल होगा तो सबको थामेगा। क्यों नहीं थोड़े बोला पंडित लाओ तिलक हम थामेते हैं, मैं अपने भाई आल्हा से चढ़ाता। क्या रुदल ने बोला? क्या अरे महाराज रुदल छोड़ दिया? तो मैंने कहा है सुनो, क्या तुम पढ़े लिखे हो? मूर्ख जैसे तू बातें करते हो। अरे जो लड़का शादी करने योग्य होगा और उसको दिल होगा शादी करने के लिए तो लड़का तो आप ही कहेंगे, हम स्वीकार करते तो अपने भाई थे, क्या तुम करोगे? बोला हम तो छोट हैं, हम न करेंगे अपने भाई के लिए। वहां घंघोर बात बात को टकरार हुआ, लास्ट में तो मैं कैसा छत्री है हम जात का ब्राह्मण यदि तेगा भागने लगेगा तो पंडित को सर कट जाएगा। वो जब से तूने दे दिया तो महाराज वैसे मैं नहीं दिया तो जबरदस्ती हाथ से तिलक छीन करके अपने भाई आल्हा पे चढ़ा दिया ले गया। और मैंने दिन तारीख को ले लिया हूं। कितने दिन तारीख लिए हैं? ए मास जब गुजर रहा है ना, क्यों नहीं 29 तारीख को ओने बारात लेकर आया तो मैंने ताना भी मार दिए हैं। ऐ मूर्ख रुदल तुम्हारा पिता को सर तो कहां राज सोहरी में कटाया और तुम्हारा सर राज नैना में कटाएगा। महाराजा सामने तीर पत्था का रखा है जो दिन रात तेगा को करे शिकार, फरे न पाता है सयो दुल्हा को माथ झूल रहा है राज नैना चंद्र में, अगुआ साला खाता है फथा कमार, बाजू में ताकत है तो इस बार तेरे माथ कट जाएगा राज नैना चंद्र में। ठीक है चलो, उस 29 तारीख को मैंने याद दिलाता हूं, मैंने महाराजा सुबह इधरमान और महाराजा लहरा और छोटन को कहेंगे मेरा पिता करके रखिए जो सारा बलहार उधर को सर को काटेंगे। पंडित महाराज बोले महाराज आप थोड़ा साइड हो जाइए भैया।
नायना का पीरा पांच है बन बबरी में उड़े जान काम हम से पीरा को छीना है सलाम सर अपने बड़े भैया आधा पर ये पान को पीरा चढ़ाई है नहीं नहीं साला जात बना लिया जिस दिन में बाबा उसको सासर को सर कटाया मुसलमान को हाथ खाया हिंदू होकर तुर्का हो गया अरे भैया चिंता न करो भैया हे को खूना नहीं तुमको कोई पुरुष मारने वाला बस्ता में कोई नहीं।